इस बीच आपको बता दें कि मंदारमणि में समुद्र तट के किनारे मिला एक महिला का शव, पर्यटकों में फैला आतंक। पूर्व मेदिनीपुर जिले के रामनगर विधानसभा के मंदारमणि तटीय थाना अंतर्गत चांदपुर इलाके में समुद्र तट के पास एक अज्ञात युवती का अर्धनग्न शव बरामद हुआ, जिसे लेकर इलाके में काफी उत्तेजना का माहौल है। आज सुबह स्थानीय लोगों को चट्टान पर यह अर्धनग्न शव मिला। बाद में स्थानीय लोगों ने दीघा मंदारमणि कोस्टल थाने को घटना की सूचना दी और पुलिस ने आकर शव को बरामद कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शव यहां का नहीं बल्कि कहीं बाहर से लाया गया होगा। हालांकि पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों के मन में दहशत है। उनका कहना है कि जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मरीन ड्राइव क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण अपराधियों का आवागमन भी बढ़ता रहता है। इसीलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि इन क्षेत्रों और मरीन ड्राइव जैसे क्षेत्र में तुरंत ही स्ट्रीट लाइट और पुलिस चौकसी बढ़ाई जाए। মানে প্রথম আমি মানে প্লাস্টিক প্লাস্টিক কুড়ি আমার গরিব লোক তো কুড়ি মানে ওরে ব্যাগরে কুড়িছে তুলছে, তারপরে সেখানে দেখলো উপরে বিটা শুয়েছে ওগুলো দেখি, তা আমার ব্যাটা ছেলেমেয়েগুলো যখন ডাকলো আমাকে ওটা মরা পড়েছে, যে আমি দেখে নিয়ে এলাম। কোথাকার এর আগে এখানে কোথাও দেখা গেছে যে না দেখা না কি বলে মনে হচ্ছে এটা? আমি দেখলাম আমার ব্যাটা ছেলে এখানকার স্থানীয় নয় বলে মনে হচ্ছে। কখন দেখলেন আপনারা? আমরা দেখেছি প্রায় সাড়ে ছটা সকালবেলা, ছটা সাড়ে ছটা। इस बीच आपको बता दें कि मंदारमणि में समुद्र तट के किनारे मिला एक महिला का शव, पर्यटकों में फैला आतंक। पूर्व मेदिनीपुर जिले के रामनगर विधानसभा के मंदारमणि तटीय थाना अंतर्गत चांदपुर इलाके में समुद्र तट के पास एक अज्ञात युवती का अर्धनग्न शव बरामद हुआ, जिसे लेकर इलाके में काफी उत्तेजना का माहौल है। आज सुबह स्थानीय लोगों को चट्टान पर यह अर्धनग्न शव मिला। बाद में स्थानीय लोगों ने दीघा मंदारमणि कोस्टल थाने को घटना की सूचना दी और पुलिस ने कर शव को बरामद कर लिया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यह शव यहां का नहीं बल्कि कहीं बाहर से लाया गया होगा। हालांकि पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों के मन में दहशत है। उनका कहना है कि जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे मरीन ड्राइव क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की कमी के कारण अपराधियों का आवागमन भी बढ़ता रहता है। इसीलिए स्थानीय लोगों की मांग है कि इन क्षेत्रों और मरीन ड्राइव जैसे क्षेत्र में तुरंत ही स्ट्रीट लाइट और पुलिस चौकसी बढ़ाई जाए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now.